हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, सही विकल्प चुनिए, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1948, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। ए ऑप्शन, कानूनी शक्ति का अभाव। बी ऑप्शन, निर्देश मात्र। सी ऑप्शन, आदर्शों का घोषणा पत्र। डी ऑप्शन, व्यवहार में कठिनाई। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन या फिर 10 दिन। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। छठा दिया हुआ क्वेश्चन, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, परिषद, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर। चौथा दिया हुआ, उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखते जाइए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी बनाएगी, 7 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पर दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा दोस्तों। पाँचवा दिया हुआ क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए, ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा दोस्तों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सीरियल से दिए हुए हैं, अच्छे से तैयार करके जाएगा अपने एग्जाम में। अब दोस्तों हम सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन दिया था, इसमें भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 6 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, कानूनी शक्ति का अभाव, निर्देश मात्र, आदर्शों का घोषणा पत्र, व्यवहार में कठिनाई, तो उत्तर हो जाएगा इसका कानूनी शक्ति का अभाव। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस, 7 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन या फिर 10 दिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 14 दिन, 3rd नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में, तो उत्तर हो जाएगा इसका दिल्ली में, 12 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, परिषद, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर, उपयुक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न दूसरा दिया हुआ, 21 स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए व्यय हुए, तो उत्तर हो जाएगा इसका 63,96,729। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व रिक्त स्थान का है,
तो उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तीसरा दिया हुआ है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1,000 रुपये है, तो उत्तर जाएगा 5 लाख। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 स्थान है, तो उत्तर जाएगा 250। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक रिश्तेदार बनाने के पक्षधर थे, तो उत्तर जाएगा संतुलित दस्तावेज। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिक्त स्थान है, तो उत्तर जाएगा इसका रिपब्लिक। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए, तो पहला दिया हुआ खंड आ, एक तरफ दिया खंड बा। खंड आ में दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसका मिलान हो जाएगा 1922। दूसरा दिया हुआ है अनिवार्य नौकरशाही, तो इसका मिलान हो जाएगा बेबर डिमांग तथा रॉबसन। तीसरा दिया हुआ संघीय सूची, तो इसका मिलान हो जाएगा 97 विषय। चौथा दिया हुआ अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो मिलान हो जाएगा इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल। पांचवा दिया हुआ हिंद स्वराज, तो इसका मिलान हो जाएगा गांधी जी। छठा दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, तो इसका हो जाएगा मिलान राजनीतिक समानता। सातवां दिया हुआ है मानव अधिकार, तो इसका मिलान हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 7 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता समानता न्याय लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आपको स्वयं कर लेना है। दूसरा दिया हुआ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था, तो उत्तर जाएगा इसका JS मिल। अगला दिया हुआ न्याय के कितने प्रकार है, तो उत्तर जाएगा 2। पांचवा दिया हुआ है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर जाएगा मौलिक अधिकार। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों छठा क्वेश्चन दिया हुआ एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है, तो उत्तर जाएगा इसका विदेशी। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ नेट्स शब्द का क्या अर्थ है, तो उत्तर जाएगा इसका पैदा हुआ। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ सत्य असत्य लिखिए, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो उत्तर जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, उत्तर जाएगा असत्य। तीसरा दिया हुआ स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो उत्तर जाएगा असत्य। चौथा दिया हुआ 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो उत्तर जाएगा सत्य। पांचवा दिया हुआ है बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो उत्तर जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही हैं तथा इसकी कोई हानि नहीं है, तो उत्तर जाएगा असत्य। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्वेश्चन के आंसर आपको आते अच्छे से आते हो तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखते जाने हैं अपने एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।